दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में डेसिमल टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। ओके डियर, नाउ वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज नंबर 2.7 ऑफ द चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट टू मल्टी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सो स्टार्ट करने से पहले एक बात पूछ लेते हैं कि जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, क्लियर? ओके, और पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? ओके ओके, नाउ एवरीबॉडी पुट ऑफ योर माइक, म्यूट योर माइक्रोफोन एंड देन स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक इज द एक्सरसाइज 2.7 ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। सभी ने माइक को पुट ऑफ करूं ताकि हम जो बोल रहे हैं वो आपकी हमारी आवाज आप तक क्लियर पहुंचे। अगर आपका माइक ऑन रहेगा तो आवाज कट कट के पहुंचेगी, तो सभी लोग अपने माइक को ऑफ कर लीजिए और कैमरा को ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। सो डियर, नाउ हियर इज द एक्सरसाइज 2.7 जस्ट रिलेटेड टू डेसिमल नंबर्स इन विच वी विल लर्न टूडे डिविजन ऑफ decimal numbers. So here's the first question, that 0.4 divided by 2. So this is the first question, 0.4 and divided by 2. So how can you divide this number, decimal number? So this is so easy. You will divide this number as same to same. There are two methods. The first method is you divide just the simple manner, that is 4 by 2. And 4 by 2, you know that how much? You will write here, since 4 by 2 equal to 2. Because 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. Okay? After that, therefore, 0.4 divided by 2 equal to this is. You will count how many decimal digit. How many digit after decimal? Decimal के बाद कितने digit हैं? यहाँ पर केवल एक ही digit है, तो हम यहाँ पर एक digit पहले decimal लगा लेंगे. Means we will mark here decimal in this answer, that is 0.2. And this 0.2 is not correct, so you will write here 0 also. So now this is the correct answer. So 0.2 is the correct answer. तो पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें से आप डेसिमल हटा देंगे, और डेसिमल हटाने के बाद सिंपल जैसे आप क्लास 3-4 में डिवीजन सीख रहे थे उसी तरह से इसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में आप यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं वो सभी काउंट कर लेंगे और उतने ही डिजिट के पार पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा एक ही डिजिट है और यहाँ भी एक ही डिजिट है, तो यहाँ एक डिजिट पहले, वन डिजिट पहले डेसिमल को मार्क कर लेना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस अनदर क्वेश्चन टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वी विल राइट हियर एज सेकंड क्वेश्चन में हमने ये ले लिया 0.35 डिवाइड बाय 5। ओके, नाउ व्हाट टू डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर, सिंस डेसिमल हटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 35 डिवाइड बाय 5। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 7। ओके, बिकॉज 5 7 जा 35, तो आपने ये लिख लिया। देयरफोर अब आप यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वही लिखेंगे सेम टू सेम। देयरफोर 0.35 एंड डिवाइड बाय 5। So this equal to, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल। सो देयर आर टू डिजिट, सो यू विल मार्क हियर द डेसिमल बिफोर टू डिजिट ऑफ दिस आंसर।
ये जो आपको आंसर मिला था इसमें आप दो डिजिट पहले डेसिमल मार्क करेंगी, लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये एक डिजिट लिख लेंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे और फिर आप डेसिमल मार्क कर देंगे, तो दो डिजिट हो गए। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट टू राइटिंग द डेसिमल, सो यू विल राइट योर होल नंबर, दैट इज जीरो, जीरो भी लिखना है। सो 0.07 दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये मेथड हुआ। अब अगर आपको कहीं डाउट है तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें होल नंबर भी हो। सो लेट अस दिस पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3rd इज गिवन हियर, दैट इज 14.49 एंड डिवाइड बाय दिस इज 7, इसको 7 से डिवाइड, तो उस केस में इसका आंसर क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, तो सिंस 1449 डिवाइड बाय 7, तो व्हाट यू गेट, स्टार्ट टू डिवाइड, अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज 7 डिवाइड बाय 1449, सो व्हाट यू गेट, 1 में डिवाइड करेंगे होगा नहीं, तो 14 से करेंगे, तो 7 टू जा 14, सो नथिंग यू विल गेट, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद इसको नीचे लाएंगे तो 4, और 4 के बाद में 4 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब आप नेक्स्ट डिजिट लाएंगे 9, तो आप देखिए 7 जा 49, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 207, लिख सकते हो दिस इज 207, ओके। आफ्टर दैट देयरफॉर, अब आपका क्वेश्चन क्या था, वही सेम क्वेश्चन लिखेंगे, तो सेम क्वेश्चन इज 1449 एंड डिवाइड बाय 7, सो दिस इज, नाउ यू काउंट द डेसिमल, हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स ओनली, सो यू विल मार्क हियर इन दिस आंसर द डेसिमल बिफोर 2 डिजिट। तो हमेशा याद रखना है कि डेसिमल जो आप मार्क करेंगे वो राइट हैंड साइड से काउंट करके ही मार्क करेंगे, तो राइट हैंड से यहां मार्क करना, सबसे पहले आप आंसर अपना लिख लो 207, इसके बाद अब आप 2 डिजिट काउंट करोगे 1 2, हो गया, तो यहाँ पे डेसिमल आप पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया 2.07, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे, ये तो सिंपल केस था, सिंपल केस में हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, और इस तरह में कुछ पार्ट और दिए हुए हैं, उसको आप सेल्फ करेंगे इसी प्रोसेस से। तो एक बार इसे सिंस करके लिखना है जहां पे डेसिमल नहीं होगा, और फिर उसके बाद देयरफॉर करके लिखना है वहां पे डेसिमल भी होगा, तो डेसिमल जहां पे, यहां अगर क्वेश्चन में डेसिमल है तो आंसर में भी डेसिमल उतने ही डिजिट पे मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग पहले ही से, एक दिन पहले ही पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, डिवीजन बाय 10, डिवीजन बाय 100, डिवीजन बाय 1000, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आपका डेसिमल उतने ही डिजिट लेफ्ट साइड को मूव करेगा जितने जीरो दिए हुए हैं। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन लेके, सो हियर इज गिविंग दैट क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी हैव टू टेक ए क्वेश्चन पार्ट, लेट अस दिस इज 6 पार्ट ले लेते हैं, पार्ट नंबर 6, सो पार्ट नंबर 6 इज गिवन दैट 0.56 एंड डिवाइड बाय 10, तो यहां पे अभी इस क्वेश्चन में सभी में 10 ही है, अगला क्वेश्चन जब 3 होगा तो उसमें सभी में डिवाइड 100 से करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट 4 है उसमें 1000 से करना है, तो सभी का प्रोसेस एकदम सेम ही है, उसको कुछ करना नहीं है,
तो देखिए कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट एज दैट इज 0.56 एंड डिवाइड बाय 10। नाउ यू काउंट हाउ मेनी जीरो इन द डिनोमिनेटर, कितने जीरो हैं, केवल एक ही जीरो है, तो एक जीरो है तो आपका वन डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड को रिप्लेस होगा, तो यहां से आपका डेसिमल इधर आ जाएगा वन डिजिट, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.056। बट इट इज नॉट गुड मैनर टू राइट ए डेसिमल नंबर, सो यू विल मार्क हियर जीरो आल्सो, यहां पे जीरो भी लिखना है। तो अब आपका ये आंसर हो गया 0.056। तो यहां पे आपको याद क्या रखना था, व्हाट टू डू रिमेंबर हियर, यू विल रिमेंबर हियर इन द केस ऑफ डिवीजन लाइक दैट 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, यू विल रिप्लेस द डेसिमल इनटू द लेफ्ट हैंड साइड एंड जस्ट इक्वल टू द डिजिट ऑफ नंबर ऑफ जीरोस, जितने भी जीरो हैं उतने ही डिजिट आप डेसिमल लेफ्ट साइड में रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर वन था, टू था। इसी तरह से आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम थ्री की बात करें तो थ्री में चेंज कुछ नहीं हुआ है, क्वेश्चन वही है। मैंने यहाँ पे ले लिया पार्ट नंबर सिक्स, ले लेते हैं पार्ट नंबर सिक्स की जगह सिक्स ही लेते हैं। पार्ट नंबर सिक्स इज गिवन हियर, दैट इज 98.53 एंड डिवाइड बाय 100। इसको डिवाइड की जगह ऐसे लिखा हुआ है डिवाइड बाय 100। तो यहाँ 100 वाले सभी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में 100 ही दिया हुआ है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यू विल राइट जस्ट लाइक दैट 98.53 एंड डिवाइड बाय 100। नाउ यू विल काउंट हियर हाउ मेनी जीरोस इन द डिनोमिनेटर, कितने जीरो हैं, टू जीरो हैं, तो आपका डेसिमल टू डिजिट लेफ्ट साइड, हमेशा याद रखना डिवीजन में लेफ्ट साइड रिप्लेस करना है और मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड को रिप्लेस करना है। तो अब ये टू डिजिट लेफ्ट साइड रिप्लेस होगा, तो यहाँ से आप डिजिट काउंट करना शुरू करेंगे वन और टू, टू जीरो है तो टू ही डिजिट, तो आपका डेसिमल इस प्लेस पे आएगा। तो आप यहाँ फाइनली लिखेंगे 0.98 and 53। But this is the not standard method of manner of decimal number, so you will put here zero, zero भी लिखना है। So this is the answer of this question. तो यहाँ भी आपको इसी तरह से करना था। अब आप अगर question number, इस question number third में इसी तरह से सारे question आपको करने हैं, सबका process एक ही रहेगा। इसके बाद question number four की तरफ move करते हैं। तो question number four में division 4 digit 1000 का दिया हुआ है। तो 1000 का अगर दिया है तो अब आप उस केस में क्या करेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सो डियर हियर द क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट एंड वी हैव टू टेक वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मैंने इसमें से एक पार्ट ले लिया, मैंने पार्ट ले लिया इसका 4, पार्ट 4, एंड पार्ट 4 इज गिवन दैट 128 की जगह मैंने पार्ट 4, तो आसान सा है थोड़ा, मैं इसको पार्ट नंबर 5 ले लेता हूँ। पार्ट नंबर 5 में मैंने ये दिया हुआ है 0.5 एंड डिवाइड बाय 1000। ये 0.5 है और इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो अब आप देखिए किस तरह से आप डिवाइड करेंगे इसे। तो सबसे पहले इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज 0.5 एंड डिवाइड बाय 1000। नाउ यू काउंट हाउ मेनी जीरोज इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, थ्री जीरो हैं, तो थ्री जीरो है तो आपका डेसिमल थ्री डिजिट लेफ्ट साइड को रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे तो वन ही डिजिट है, तो और डिजिट आप आपको अपनी तरफ से लाने पड़ेंगे जीरो पुट करके। तो आप यहाँ जीरो कितने भी पुट कर सकते हैं, दीज ऑल द जीरोज आर मीनिंगलेस, ये सारे जीरो मीनिंगलेस हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप 100 जीरो भी लिख सकते हैं, तब भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ इतने सारे जीरो रख लिए, और भी रख सकते हैं आप,
इससे कम भी कर सकते हैं, ये सारे के सारे हटा भी सकते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं, तो 3 डिजिट आपका डेसिमल रिप्लेस होगा, तो 1, 2, 3 मींस डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो आप इसे लिखेंगे 0.0005, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जो 1000 का डिवीजन है वो इस तरह से करेंगे। तो हर एक केस में आप क्या कर रहे हैं, आप डेसिमल को लेफ्ट साइड में रिप्लेस कर रहे हैं। बस इसी चीज को याद रखना है कि डेसिमल लेफ्ट साइड रिप्लेस होगा, और कितने डिजिट रिप्लेस होगा, जितने जीरो वहां दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 0, 3 दिए थे, तो 3 0 आपका डेसिमल रिप्लेस हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आप कर लेंगे, सभी के ओरल टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है। सो डियर, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप। मैं आपको एक एक स्टेप सभी क्लियर करते हुए चलूंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर, वंस अगेन डिवाइड इट। तो मैंने एक इसका पार्ट ले लिया, मैंने इसका अभी फर्स्ट पार्ट ही ले लिया, तो फर्स्ट पार्ट पहले लेते हैं। तो 7 डिवाइड बाई 3.5। अब आपका क्या है कि जो डेसिमल दिया है वो डिनोमिनेटर में दिया है, मींस इसको आप इस तरह से पहले लिख सकते हो, आप इसे लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 3.5, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल लिखा हुआ है, तो अब आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका रूल क्या है, बस वो आपको समझना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल के लिए आप यहां पे लिखेंगे इनटू करके 1, डेसिमल के प्लेस पे लिखना है 1, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, तो आप यहां पे 1 0 पुट करेंगे, ठीक है। और यही काम आपको सेम ऊपर भी करना है, जो आपने यहां लिख दिया है वही चीज यहां इनटू करके कर देनी है। समझ लो कि करना क्या है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल में आप पहले तो इनटू लिख लीजिए, और इनटू लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल की जगह यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन में 1 लिखना है, और फिर आप डेसिमल के बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पे डिजिट 1 ही है, तो 1 0 प्लेस करेंगे, और इसके बाद 1 0 जो यहाँ पे 110 हो गया ना, तो 10 ही आप ऊपर भी लिखना है, क्योंकि अगर दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एप्लीकेशन नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। तो ये चीज हो गई। अब आप आगे बढ़िए, देखिए आगे क्या करना है। नाउ दिस क्वेश्चन 7 10, आप वैसे मैंने बताया था कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे सिंगल 0 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए, और मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसका कुछ करना नहीं है, तो ये हो गया 70। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, कितने जीरो है, 1 0, तो 1 0 आपका डेसिमल राइट हैंड साइड को रिप्लेस होगा। ये मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल किस साइड में रिप्लेस होता है, राइट हैंड में, तो ये राइट हैंड में रिप्लेस होगा, तो आपका ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 35 और पॉइंट। लेकिन नंबर के बाद अगर आप डेसिमल लगा देते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसे फुल स्टॉप माना जाएगा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मीनिंग लेस हो गया, तो ये 35 नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको 70 को 35 से डिवाइड करना है, तो चाहे तो आप इसे स्मॉल टेबल से कैंसिल कर लो या डायरेक्ट ही कर लो, आपको अच्छे से पता है 35 बन जा 35 होता है, 35 टू या 70 होता है, तो डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, और नहीं तो आप इसे 7 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो कई बार कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप 7 से करते हैं तो पहले 7 से करेंगे, फिर
जो भी आएगा फिर उसको 5 से करेंगे इस तरह से, तब आपका आंसर 2 आएगा, है ना। और अगर आप डायरेक्ट कैंसिल आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 70 by 35 = 2, बिकॉज 35 × 70 होता है, तो 2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये हुआ इसका पार्ट नंबर जो था फर्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए कि मैंने इसका एक और क्वेश्चन लिया, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया एक क्वेश्चन है, वो है आपका उस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिया पार्ट नंबर 5, ये फिफ्थ पार्ट लिया हमने क्वेश्चन 5 का। इसमें लिखा हुआ है 0.5 एंड डिवाइड बाई 0.25, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखते ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप इसमें क्या करना है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसको करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस इक्वल टू 0.5 एंड डिवाइड बाय 0.25, ठीक है। तो अब आपको यहाँ न्यूमरेटर बिल्कुल नहीं देखना है, यहाँ जैसे मैंने किया था न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर में आपने देखा तो यहाँ पे डेसिमल, मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल में, डेसिमल के प्लेस पे आप पहले इंटू लगा लीजिए और डेसिमल के प्लेस पे 1 लिखोगे, और अब आप देखोगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो आप 2 0 लिख लोगे। और जो काम आपने अब न्यूमरेटर में कर लिया है वही सेम वर्क आपको डिनोमिनेटर में जो किया है वही सेम वर्क अब आपने भी करना है, मींस यहाँ पे क्या आ गया इंटू 100, तो आपको आंख बंद करके इंटू 100 यहाँ भी लिख देना है। तो ये 100 कहाँ से आया, बस ये चीज आपको समझ लेनी है। तो मैंने आपको क्या रूल बताया, सबसे पहले इंटू लगा देंगे, इंटू लगाने के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा तो डेसिमल की जगह 1 लिख लेंगे, और 1 के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं आप काउंट करोगे, 1 और 2 डिजिट हैं, तो 20 यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही 20 पुट किया तो ये नंबर बन गया 100, यही 100 को आप न्यूमरेटर में भी लिख देंगे। अब आप देखिए आगे क्या करना है, आगे अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगा, यहाँ पे देखो मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल राइट हैंड साइड को रिप्लेस होता है, तो कितने जीरो है यहाँ पे 20, तो 20 टू डिजिट राइट हैंड साइड को रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो आप क्या करोगे 10 आप अपनी तरफ से पुट करोगे ये, और फिर यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो इस डेसिमल का मतलब तो मैंने बताया फुल स्टॉप होता है, ये तो मीनिंगलेस हो गया, तो इसे हटा दीजिए। और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी यहाँ 20 है, तो डेसिमल 2 डिजिट रिप्लेस होगा राइट हैंड साइड को, तो ये हो जाएगा 25, मींस ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने का मतलब ये मीनिंगलेस है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप तो नंबर में होता नहीं है, तो ये 25 हो गया। इसके साथ ये 0 जो लिखे थे आप चाहो तो 0 लिख भी दो या भी नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि इन 0 का कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर मीनिंग नहीं है तो मैं इस 0 को हटा ही देता हूँ, नंबर से पहले 0 जो लगे होते हैं उन 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये 0 मीनिंगलेस है, इसलिए मैंने ये 0 हटा लिए, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर डेसिमल होता तब ये मीनिंगफुल होता, अभी यहाँ पे डेसिमल लगा है इसलिए ये मीनिंगफुल है। इसका मतलब ये शो कर रहा है होल नंबर इज 0 एंड डेसिमल नंबर इज 0.5, तो अब डेसिमल तो हट चुका है तो इस मीनिंग का, इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको अच्छे से पता है ये तो छोटा ही टेबल है, 25 बन जा 25 एंड 25 टू जा 50, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 लिख देंगे, तो ये ही इसका आंसर हो गया। तो इधर भी आपका आंसर 2 ही आया था और इधर भी इसका आंसर 2 ही। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए जब डिनोमिनेटर में डेसिमल दिया हुआ हो। अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल दिया है तो आप इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, उस केस में सबसे पहले आपको ये डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करना है, और रिमूव करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे देखिए 1
डिजिट था डेसिमल के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट होता तो हम यहाँ 1000 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट मिलते हैं तो आप 10,000 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप किसी एक में मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों जगह पर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 क्वेश्चन में क्या करना है आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है आइए देखते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी 4 मार्क्स में आती है, तो आप इसे ध्यान से समझिए कि कैसे करना है, और यही आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए व्हीकल कवर्स डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। जो व्हीकल है वो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने पेट्रोल में, 2.4 लीटर्स में। अब आपसे पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आप गिविंग थिंग्स लिखेंगे, जो दिया हुआ है सबसे पहले आप उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे गिविन क्या क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है व्हीकल कवर्स डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो आप लिखेंगे इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 43.2 किलोमीटर। सो दिस इज गिवन डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर। नाउ रिक्वायरमेंट हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में पता करना है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन 1 लीटर सबसे पहले आप यहाँ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 लीटर का पूछा ही गया है, अगर आपसे और भी पूछा गया होता 5 लीटर 6 लीटर तो भी आप 1 लीटर का ही पहले फाइंड करते। तो क्या करना पड़ेगा, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल दिस इज 43.2, और ये नंबर जो यहाँ लिखा है ये सीधा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4, और ये यहाँ पे यूनिट जो किलोमीटर थी वो अभी भी वही रहेगी, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन बन गया जैसे अभी अभी हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था वैसा ही ये क्वेश्चन बन गया। तो अब आपको इसे सॉल्व भी करना है, तो चलिए कैसे करेंगे, तो आप देखिए कैसे करना है। It is, you can write it as 43.2 and divide by 2.4. और सबसे पहले आप यहाँ पे इंटू लगा दीजिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे चूंकि डिनोमिनेटर में डेसिमल आ गया तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर आप पहले ये डेसिमल हटाना होगा, रिमूव करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेसिमल की जगह 1 लिखा और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 10 प्लेस किया तो 10 हो गया, इसी 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, और न्यूमरेटर को बिल्कुल देखना ही नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ भी बना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे आप लिख देंगे किलोमीटर जो आपका यूनिट है, ठीक है। अब आप देखिए जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट रूल मैंने बताया है कैसे करना है, 10 है तो 1 डिजिट डेसिमल राइट हैंड को रिमूव करेगा, तो रिप्लेस हो जाएगा ये 43 पॉइंट की जगह ये हो गया 2 पॉइंट,
और टू पॉइंट का मतलब कुछ भी नहीं, तो पॉइंट हटा देंगे। डिवाइड बाय, यहाँ भी देखिए आप 10 है तो यहाँ 1 digit decimal रिमूव होगा, तो ये हो जाएगा 24। और 24 के बाद पॉइंट आएगा तो पॉइंट तो मीनिंगलेस है, तो उसे आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो चलिए आप इसे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आप देखिए कि आपको 24 का टेबल तो आता नहीं है, तो आप इसे शॉर्ट छोटा कर लीजिए, कट कैंसिल कर लीजिए। तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो चलो 4 से कर लेते हैं तो छोटा हो जाएगा। 8 से भी हो रहा है, 8 से भी कर सकते हो, है ना। और ये 6 से भी हो रहा है तो 6 से भी कर सकते हो। तो कोई भी एक टेबल से आप इसे डिवाइड करके छोटा कर लो, ताकि आप आसानी से इसे डिवाइड कर सको। तो मैंने क्या किया, इसको 8 से डिवाइड कर लिया, यहां भी 8 से और यहां भी 8 से डिवाइड कर लिया। तो देखो 8 से जब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का मतलब कैंसिल करना है, इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, आप देखिए 43 में 8 से डिवाइड करो तो 8 5 40 होता है। इसके बाद 43 है तो 3 3 बचेंगे, रिमाइंडर अब 2 इस पे आ जाएगा, तो 32 हो गया। हाँ वेरी नाइस, 54 हो गया। और इसी तरह से आप इससे डिवाइड करेंगे 24 को 8 से, तो केवल यस 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 3। तो अब यहाँ 3 आ गया, अब इसे आप आसानी से डिवाइड कर लोगे। तो आप देखो 3 बन जा 3 हो गया, अब कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ 4 हो गया। एंड 3 8 जा 24, तो ये 18 आ गया। और यहाँ पे यूनिट क्या चल रहा था, किलोमीटर, तो आप यहाँ पे किलोमीटर लिखते चले जाएंगे, आंसर आ गया 18 किलोमीटर। तो आपका जो व्हीकल था वो 1 liter ऑफ पेट्रोल में 28। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।